विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर परिषद गढ़वा के द्वारा आज सुबह 5:30 बजे से चलाया गया प्लास्टिक मुक्त गढ़वा की सफाई अभियान एवं जागरूकता रैली। मझियाव मोड़ बस स्टैंड बाजार समिति सरस्वती नदी पुल के नीचे प्लास्टिक एवं पोलोथिन के साथ साथ सफाई की गई एवं दुकानदार भाइयों से आग्रह किया गया कि प्लास्टिक एवं पोलोथिन का उपयोग ना खुद करें और ना दूसरों को करने दें। प्लास्टिक जानलेवा है, इससे दूर रहें। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है सो 1 जून से लेकर के 4 जून तक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि पूरे गढ़वा जो जिला है उसके मुख्यालय में 4 दिन 4 स्थान का चुनाव किया गया है और प्रत्येक दिन जो है सो 6 बजे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ और जो संगठन है यहाँ CRPF के लोग जो आए हुए हैं और भी जितने भी लोग हैं आम जनता के सहयोग से लोगों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए हम लोग स्वयं भी जो है सो मिलकर के प्लास्टिक जहाँ जहाँ है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में यह मैसेज जाए कि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि सब्जी खरीदने के लिए जाना हो तो झोला लेकर के जाएँ। कोई भी सामान बाजार से लाने जाते हैं तो पहले जो प्रथा थी कि झोला लेकर के जाएं, इसलिए हम लोग हर व्यक्ति इस प्रयास करें कि प्लास्टिक को छोड़ा जाए। प्लास्टिक के पोल्यूशन से, प्लास्टिक जब रहता है तो वो जल्दी गलता नहीं है और उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जो कि हमारे आने वाले गाय और बकरी जो वो जो खा भी जाते हैं तो उनके लिए भी ये हानिकारक होता है। देखिए नदी नालों में पड़ रहे हैं तो कितना जो है सो कठिनाई हो रही है, यहाँ कैसा पोल्यूशन जो है नज़र आ रहा है, जो देखना भी नहीं चाहते। तो हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम हम लोग सफल करेंगे और जितने भी लोग हैं यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। पहला दिन हम लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ और अगले दिन भी 4 दिन का कार्यक्रम है जो कि पूरी तरह से सफल। आप अपना पता बताइए। मेरा नाम AK दुबे, मैं DFO गढ़वा नॉर्थ। आज जो हम लोग को ये 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है उसको लेकर फॉरेस्ट विभाग की ओर से 1 से 4 तारीख तक बीच प्रदूषण पॉलिथिन का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों को यही लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि प्लास्टिक का कम यूज करें और ख़ासकर हम महिला बहनों से आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लास्टिक तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन महिला अगर जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से प्लास्टिक का सोल्यूशन हो सकता है, जिससे मेरा शहर साफ हो जाएगा। अगर एक प्लास्टिक में सारे प्लास्टिक को रखकर एक घर के बाहर जगह चयनित करके लोग रखें तो निश्चित रूप से इससे शहर मेरा आधा शहर साफ रहेगा। जो आने वाला समय है प्लास्टिक से पानी का भी परेशानी होता है, जो अंदर प्लास्टिक जब जाता है बारिश होती है अंदर नहीं जा पाती है, इससे पानी का भी दिक्कत होता है। तो हम चाहेंगे कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। अगर कोई भी सामान लेने जाते हैं तो घर से एक थैला लेकर ही सामान लेने जाए और लोगों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। मैं DFO गढ़वा साउथ हूँ। आज सब लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। विशेषकर CRPF के जवानों ने बहुत सहयोग दिया, आम जनता ने भी सहयोग दिया। इसी तरह हम लोग को आशा है कि ये लोग बाकी 3 दिन भी सहयोग करेंगे और ये तो सांकेतिक था, बाकी साल भर पॉलिथीन से मुक्त करने के लिए समाज को प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम CRP के कमांडेंट श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा जी के आदेशानुसार और डिप्टी कमांडेंट योगेंद्र मिश्रा के निर्देश में ये कार्यक्रम CRP के लोगों ने इसमें भाग लिया और साथ ही हमारे जो और भी अधिकारीगण हैं सुलभान सिंह, केन मिश्रा उप निरीक्षक, JP सिंह, श्री शिवाजी माने और मेरे सभी जो जवान हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और लोगों का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इसमें अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल। मैं डॉक्टर यासीन अंसारी समाज से भी बोल रहा हूँ। हम लोगों का जो 4 रोज का जो कार्यक्रम है
विश्व पर्यावरण दिवस। इसमें मूल्य चीज़ है कि प्लास्टिक को हटाना। हम लोग का अपील है कि गढ़वा ज़िले से प्लास्टिक को कैसे मतलब मुक्त किया जाए। सबसे ये बड़ी बात है कि प्लास्टिक पे अगर लोगों को मालूम हो जाए कि प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से क्या हानि होता है शरीर के ऊपर और किस तरह की बीमारियां होती हैं, तो मेरे ख्याल से खुद मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग हैंड बिल वगैरह और कुछ और दूसरे तरह का प्रोग्राम करके उसको हटाने की कोशिश करेंगे। आज पूरी दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा पॉलीथीन खा करके मवेशी मर जाती हैं। दूसरी बात, ये पॉलीथीन का लाइफ 1000 साल है। एक पॉलीथीन को अगर अंदर गाड़ दीजिए तो 1000 साल के बाद वो ख़त्म होता है, और पॉलीथीन के अंदर पॉइजनिक सब्सटेंस होता है। अगर उस पॉलीथीन के अंदर आप आम ले लें या कोई फल ले लेते हैं या सब्जी लेते हैं, तो वो पॉलीथीन के अंदर जो केमिकल होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्ब करके वो चीज़ों में, चाहे फल है या सब्जी है, उसे मिल जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर भी उबाला जाए उसको सब्जी को, तब भी वो सब्सटेंस जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है वो ख़त्म नहीं होता है, वो केमिकल बड़ी हानिकारक होता है। इन सब चीज़ों को डिटेल तौर पे लोगों को अवगत कराया जाएगा और सब लोग की जिम्मेदारी बनेगी कि मतलब किसी तरह से कहीं दुकान में या अपने घर में या कहीं पर किसी तरह से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। आज अभी आप सबकी बातें आप सुन रहे हैं, इस पर और सारे लोग हैं, इसका मतलब मैसेज जाएगा और आपके मीडिया से भी जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, आपके भी हम धन्यवाद, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।